बढ़ते हुए साइबर अपराध को रोकने के लिए अब जिलों में साइबर वॉलंटियर बनाए जाएंगे जो जनपद में साइबर क्राइम को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे। सरकार के आदेश के बाद एसपी ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों से साइबर वॉलंटियर से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। अगर आप भी साइबर वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी से जुड़ी इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर के सबसे तेज और सबसे खास बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। सोशल साइट्स पर बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस अब बड़ी तैयारी में है। साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट के साथ साथ वॉलंटियर्स को भी आगे आने को कहा है। इस पर शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने एक लिंक और मोबाइल नंबर जारी कर अपील की है कि जो लोग पुलिस को साइबर क्राइम रोकने में मदद करना चाहते हैं वह निडर होकर पुलिस की वेबसाइट पर या मोबाइल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर पुलिस को साइबर क्राइम रोकने में मदद कर सकते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में चयनित परिषदीय विद्यालयों के अभ्यर्थियों को कैबिनेट मंत्री और विधायकों की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम शाहजहांपुर के गांधी भवन में रखा गया था। यहां इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित 14 से 21 शिक्षकों में से 60 शिक्षकों को कैबिनेट मंत्री सुषमा खन्ना और विधायकों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। हाल ही में हुए शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह बेवजह के सवाल उठाते हैं। जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरेली मुरादाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा ने 8,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है, बल्कि यह चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ है। अब विपक्ष इस बात का जवाब दे कि उनके वोट कहाँ चले गए। देखिए, इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये निरर्थक सवाल उठाते हैं। कभी जब हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन को दोष देते हैं। आज बरेली मुरादाबाद की सीट 8,000 से ज़्यादा वोट से जीती। अब इनसे पूछिए, ये तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो इनके वोट कहाँ चले गए? पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुआएं के चौड़ेरा गांव में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डीपीओ वरुण सिंह ने महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम में वन स्टाफ सेंटर वर्कर नमिता यादव ने बताया कि हमें बेटियों को इतना शिक्षित करना है कि वह समाज को बोझ न लगे और खुद पर निर्भर हो सके। साथ ही इस दौरान महिला हेल्प डेस्क 1090181 और डायल 112 नंबरों की जानकारी भी साझा की गई। जलालाबाद में चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया है। यहां चोरों ने नकब लगाकर दुकान से 2.5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब चोरी कर ली। खास बात यह है कि पुलिस पिकट से कुछ ही कदमों की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना थाना जलालाबाद के याकूबपुर चौराहे की है। तिलहर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम लगातार सक्रिय है। तिलहर के एंटी रोमियो दल ने नगर के कोचिंग क्लासेस को जाने वाले रास्ते पर बेवजह घूम रहे सहोदों को नसीहत देते हुए छोड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि दोबारा बेवजह घूमते मिले तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसान यूनियन का कहना है कि यह तीनों कानून किसान विरोधी हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर यह कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूरे भारत में चक्का जाम करने को बाध्य होगा। कटरा पुलिस ने 4 घंटे में चोरी हुए मोबाइल सहित एक चोर को गिरफ्तार किया है। कटरा की रामनगर कॉलोनी के रहने वाले राजू सक्सेना ने पुलिस को मोबाइल चोरी होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके के गांव सिवरा के रहने वाले टिंकू को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने टिंकू के पास से चोरी हुआ एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
खुटार क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाने से मुख्य मार्गों और चौराहों से होते हुए वापस थाने पर पहुंचा। थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने नगर के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, साथ ही कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने दो पहिया वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। तिलहर नगर में व्यापारी जिला प्रशासन के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यहां व्यापारी नियमों को ताक पर रखकर शनिवार को भी अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन के आदेशों के बाद तिलहर में शनिवार का दिन बाजार बंदी के लिए तय किया गया था, बावजूद उसके अब कुछ व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज समाप्त हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष यदुवीर गौतम ने की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष यदुवीर गौतम ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। विधानसभा अध्यक्ष संतन पाल गौतम ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल बनाते हुए कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सभी सीटें तिलहर विधानसभा में जीतेंगे, अधिक से अधिक प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य जीतकर आएंगे तो पार्टी का मिशन कामयाब होगा। तिलहर से बरखेड़ा को जाने वाले मार्ग पर शमशान भूमि के पास बनी पुलिया के पास सड़क नीचे धस जाने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों का आवागमन रहता है। अगर इस पुलिया का निर्माण समय रहते नहीं हुआ तो यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शराब का कारोबार करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के पास से 58 लीटर अवैध कच्ची शराब और 10 शराब के पौवे बरामद हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई अलग अलग थाना क्षेत्रों से की है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।